और जो राहुल का जो बाइक है उसका बैटरी खत्म हो गया है। चलो करो तो चलो। अरे सो चेकआउट करो गाइस, मींस तो मरीन ड्राइव का रास्ता जो है वो काफी अच्छा है। The Captain 390 ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आज एक कांड हुआ था, आप जान ही रहे हो कि एनएस वाला भाई अपना गिर गया था नीचे में और उसको रिकवर किया हम लोगों ने, सारा चीज ठीक करवा दिया उसका। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक नए लोकेशन पे जो बहुत प्यारा है, और ये हम लोग है अभी ओल्ड बुक स्टोर, और इधर से हम लोग मरीन ड्राइव वाला रास्ता लेंगे और सीधे चलेंगे डूबू डैम कहा गया उसे, बहुत ही प्यारा लोकेशन है वो। तो पहले तो वहाँ चलेंगे, मेरे साथ राहुल है और उसका दोस्त है, तो साथ में हम लोग निकल रहे हैं और इवनिंग हो चुका है अभी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से पहुँच जाएं। यहाँ से 10 किलोमीटर का ही फासला दिखा रहा है, बट चाहेंगे कि जल्दी से रिकवर हो जाए हम लोग। जमशेदपुर में विदाउट एग्जॉस्ट, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट के बाद अगर कोई एग्जॉस्ट लगाता है तो उसमें फ़ाइन है, और नंबर प्लेट नहीं रहने पर भी फ़ाइन है, तो बहुत सारा इशू है। तो ये रहा जमशेदपुर का सबसे फेमस मैनेजमेंट स्कूल और मैनेजमेंट कॉलेज कह सकते हैं, स्कूल ही कहा जाता है इसे, XLRI, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, तो बहुत लोगों का ड्रीम रहता है यार यहाँ पढ़ने का, और बहुत ही कॉम्पिटिशन इसका बहुत हाई है। यहाँ पास एडमिशन लेना एक तरफ से बहुत टफ है, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ एग्ज़ाम देते हैं सभी। और वो देखो सनसेट जो दिख रहा है वो क्या प्यारा दिख रहा है अभी, बहुत सुंदर जो ये सनसेट है, बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही। और इसकी खूबसूरती ऐसे जब पेड़ हो या फिर बिल्डिंग हो उसे जब छुप करके निकलती है ना, तो क्या ही कहने उसके। तो ये मरीन ड्राइव का रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आप देख रहे हो काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी गड्ढे भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पर स्पीड का पता नहीं चलता है कब आप कवर कर लिए मरीन ड्राइव। वाव देख लो क्या व्यू है। तो ये रहा जमशेदपुर का न्यू ओवरब्रिज जो जोड़ता है जमशेदपुर को, और ये इंडस्ट्रियल एरिया वाला बाईपास रोड है मरीन ड्राइव का, जहाँ से लोग अपना हाईवेज गाड़ी चलाते हैं। और ये देखिए आप सोरडेखा नदी कितना खूबसूरत लगता हुआ, तो काफ़ी खूबसूरत है ना, काफ़ी सुंदर सा है, काफ़ी सुंदर सा सनसेट दिख रहा है, और ये पानी मतलब अलग ही वाइब है यहाँ का, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे में। तो डोबो डैम जाने वाला रास्ता यही है, अगर आप जो जमशेदपुर से हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ये वाला रास्ता आपको डोबो डैम ले जाएगा और बहुत पास में है यहाँ से डोबो डैम। सो ये देख लो आप फिर से एक बार भाई, सनसेट ही इतना खूबसूरत आज का दिख रहा है ना कि मत पूछो, और ऊपर से ये पहाड़ से है आगे से राइट, और यस यहाँ से राइट है। ओके तो यहाँ एक बना भी हुआ है गेट बना हुआ है, तो चलो अब मुड़ सकते हैं फाइनली। सोरडेखा मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, ओहो तो बहुत लोग जाते हैं वैसे लग रहा है यहाँ पास डोबो डैम में, थोड़ा अंदर है फिर भी तो ये अच्छी बात है। ओ तो यही है हमारा छोटा सा प्यारा सा किधर, तो ये है पार्किंग यहाँ का। सो यहाँ पास आप देख सकते हो लोकेशन, आप चेकआउट करो गाइस, मींस वो देखो एक अलग सा व्यू आ रहा है, वहाँ बस ताड़ के पेड़ वगैरह है, और उधर जो सूखा सूखा घास है वो तो और अच्छा लग रहा है, तो सीन तो काफ़ी अच्छा है ब्रो मीन्स। और आपको देखने के लिए मिलेगा ये छोटा सा नदी निकल रहा है, शायद भाई डैम वाला पानी होगा। और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा ताड़ का पेड़ है, और ये देखो कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, तो बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है यहाँ पास अभी। और ये लोकल रास्ता है, इधर से ही निकलना रहता है। अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है ये जगह। सो चेकआउट करो गाइस, मीन्स कितना डूबता हुआ सूरज है वो, अब कुछ देर में ही वो सनसेट ढल जाएगा, मगर वो जो खूबसूरती छोड़ के जा रहा है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप बताओ
रियली जिसकी तलाश थी वो जगह मैं आ चुका हूँ। और ये रहा डोबो डैम, मीन्स देख लो आप कितना प्यारा लग रहा है ये लोकेशन। हम लोग अभी नीचे से ऊपर आए हैं और बाइक पार्किंग का मतलब बाइक में ही पार्क किया था, अलाउड नहीं था वहाँ से बाइक पार्क करना, सो हम लोग इधर आ गए। और एक सुंदर सा लोकेशन है ये, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा ओवर पानी आता है, क्योंकि पानी अगर अधिक आता तो शायद इसमें गेट बना हुआ था, बट अभी गेट नहीं बना हुआ है। तो ये जितना भी पानी ओवरफ्लो होता होगा वो ओवरफ्लो हो जाता है इधर से। सो देख लो आप वहाँ से, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत प्यारा सा है ये डोबो डैम हट। तो ये डोबो गांव पे ही है इसीलिए इसका नाम डोबो पड़ा है, और इसका एक्चुअल और कुछ नाम भी है बट मुझे अभी याद नहीं है। और वो देखो मछुआरे लोग उधर थोड़ा बहुत मछली पकड़ रहे हैं नाव के थ्रू, तो अच्छा है, पीसफुल इलाका है, आप आकर के बैठ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा नीचे नहीं उतरना है आपको, बस ये ध्यान रखना है अपने में, अदरवाइज़ एंजॉय करो इस जगह को। सो फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखो इसकी खूबसूरती, मीन्स सूरज ढल रहा है अभी भी अदर जगह पे, वो सूरज ढल रहा है तो जिसकी लालिमा आपको दिख सकती है वो देख लो आप कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो डोबो डैम है उसका एक्चुअल नाम है शतनाला डैम भी, और बहुत प्यारा है यार, आ करके घूमो कभी यहाँ बस। अब सीधे नीचे उतरते हैं और आपसे सीधे गोप्रो में मिलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत प्यारा है। ओके सो फाइनली घूमना हो गया हम लोग का। ओ रैप, तो कुछ अच्छा ऐसा साउंड आ रहा है, तो राहुल का बाइक मैं चला रहा हूँ, वो मेरा बाइक चलाएगा। ओके मम्मी, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का, और काफ़ी शांत इलाके में है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पार्किंग के लिए यही पास है, यही स्लॉट है, आपको अंधेरा में दिख रहा होगा कि नहीं, यहीं पास आप बाइक पार्क कर सकते हो। ओके ओके ये देखो ठेल करके, हमको लग रहा है बैटरी निकालते हैं, ठीक है एक और ट्राई करते हैं, एक तेजी से सेकंड गियर में रखना ठीक है, और अचानक से क्लच छोड़ना नहीं हो रहा, गियर में अभी ट्राई किया, चालू हो रहा है हाँ, आगे बंद हो जा रहा है। चलो फिर बैटरी निकालो फिर, चलो यही दिक्कत है इसी फेलियर वाला, बैटरी डाउन वाला, लेकिन लास्ट टाइम मतलब खेल के चालू भी कर दिया था, मतलब हो गया था हमको लगता है। अरे 17,000 में बहुत चला लिया बाबू, 17,000 मेरे जानते हैं, 30,000 में जाके हम चेंज वो करवाया। चलो करो तो चलो, अरे हुआ तो था, एक बार ट्राई कर तो हल्का से, एक बार नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, छोड़ो मेरा गाड़ी लेते आओ और हम बोलते हैं ना उसमें से बैटरी निकालते हैं ठीक है, और उसको ठीक करते हैं, चलते हैं गाड़ी लेते। हाँ सुबह दिखा दे, हम बोले ना यही है, मतलब एक दिन चांडील, बाप रे तो सीन हो चुका है। बाइक थोड़ा सा जल्दी सोचा बैटरी अपना वाला निकालते हैं, भयानक निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा
हो शॉर्ट सर्किट हो रहा है मतलब क्या हो गया ना मेरा ले मार ठीक है नहीं यार चलो ठीक है ना मिलते हैं चलो ठीक है बाबू अभी नहीं उसका बाइक ठीक नहीं हुआ एक्चुअली मेरे को मूवी वाला लेट हो रहा था हम लोग ट्राई किए बहुत ज़्यादा बट हुआ नहीं तो अब हम लोग सीधे घर की ओर निकल रहे हैं फिर वहाँ से हम लोग को मूवी देखने जा रहा है तो जमशेदपुर का जो नाइट में व्यू आता है वो अलग ही आता है यार बहुत सुंदर सा व्यू रहता है यहाँ पास और काफ़ी अच्छा लगता है इधर ड्राइव करने में यहाँ का रोड जो है आप देख लो कितना ब्यूटीफुल है कितना प्यारा रोड है इधर का आपको बता दूं सुशांत सिंह राजपूत का जो लास्ट मूवी था यहीं पर शूट हुआ था उसका जमशेदपुर में तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ से चलिए फिर आज के ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में और नए एनर्जी के साथ तब तक के लिए बाय अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिए ठीक है और बस इतना ही